हे एवरीवन, मेरा नाम है जयदीप सरकार और जयदीप सरकार ब्लॉग्स में आप लोगों का सबका स्वागत है। और आज हम लोग आ गए हैं बक्शी नगर पे। ये अगरतला से थोड़ा सा दूर में, थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही दूर है, तकरीबन 60 किलोमीटर की दूर है अगरतला के मेन शहर से। और आगे आप देख पा रहे हो ये बुद्धिस्ट का स्तूप है। कहा जाता है कि 1898 या फिर इसके बाद मतलब बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर आके रह रहे थे, तब उन लोगों ने स्तूप बनाया था। यहाँ पर तीन है, आप जो आगे देख पा रहे हो एक है और पीछे एक और लेफ्ट साइड में और एक है। यहाँ पर पूरा का पूरा तीन है टोटल मिला के। इन लोगों का जो हाइट है तकरीबन 1.6 मीटर से लेकर 2 मीटर तक का है, और कभी कभी ज़्यादा बहुत सारी जगह पे तो 4-5 मीटर से ऊपर भी है। और इन लोगों का जो पूरा का पूरा है ईंट से बना हुआ है। इसके अलावा जो आप देख पा रहे हो बहुत एंशियंट है, बहुत पुराना है। इनमें नया करने का कुछ भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। हाँ, गवर्नमेंट ने इनको पूरा का पूरा सही करा के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तौर से मतलब पूरे के पूरे जगह को बाउंड्री देके पूरा का पूरा एकदम मतलब सही से बना के रखा है कि ये ख़राब ना हो। और आप देख भी पा रहे हो आगे कि बहुत सी सिक्योरिटी गार्ड भी है इस जगह को पूरा का देखभाल करने के लिए। हाँ, और उस चढ़ने के बाद इस स्तूप के ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर आप नहीं चढ़ सकते, यहाँ पर चढ़ने के लिए सख्त मना है। और सिर्फ आगे का जगह से आप पूरा का पूरा घूम सकते हो। और ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये तीसरा वाला है, और इधर में आसपास उसमें पूरा का पूरा गांव है, पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। आगे जाके एक मस्जिद भी है, एक मंदिर भी है। और ये जो आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा हिस्सा छोटे छोटे ईंट से बना हुआ है, देखने से लगता है कि 200-300 साल पुराना है तकरीबन। अब बाकी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो पेज हो वहाँ पर जो लिखा है कि ये 15 मीटर से लेकर 15 मीटर वाइड है, लेकिन ये अंदर वाला जो हिस्सा है बस वही हिस्सा है, ना कि पूरा का पूरा। पूरा का पूरा आप ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है आगे का, इसका सिर्फ बात किया जा रहा है। और ये आप देख पा रहे हो कि तीसरा स्तूप है। और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरा का पूरा ग्राउंड बना हुआ है। खैर अभी धूप के कारण ये पूरा का पूरा कंधा जैसा दिख रहा है, लेकिन हाँ शाम को यहाँ पर बहुत बच्चे लोग आके खेलते भी है। जो आप देख पा रहे हो ये जो पूरा का पूरा ऊपर वाला हिस्सा है स्तूप का, इसका जो साइज है वही बताया गया है 15 मीटर बोला जाता है, 15 मीटर तकरीबन। क्या आपने तो अपना तो वो मापा नहीं है, वो वेबसाइट से जो अपने को डाटा कलेक्ट हुआ है वही से पूरा का पूरा अपने को डाटा मिला है। और आप देख पा रहे हो ये पीछे का पूरा स्तूप है। अभी आप आगे देख पा रहे हो मेरा दोस्त है कौशिक केडी ब्लॉग से। और ये अपन आगे अभी जो दूसरा वाला है पीछे वाला, वहाँ पर यहाँ पर भी है, आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा स्तूप बना हुआ है। हाँ, इसके ऊपर चढ़ना तो खैर मना है, लेकिन आगे से आप चढ़ के इसमें घूम भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर जैसे कि मैं अभी चढ़ रहा हूँ इसके ऊपर, ऊपर जाके अंदर वाला हिस्सा पूरा ऐसा दिखाई देता है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारी कुछ लोकल मूवीज है, वहाँ पर शूटिंग भी हुआ है। देख पा रहे हो स्तूप का पूरा हिस्सा जो एक साइड से दिखाई देता है, ये पूरा साउथ साइड है।
और इधर में पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने बाउंड्री देके रखा है कि बाहर से कोई गलत आदमी अंदर ना घुस पाए, या फिर इसको सबके पहचानने के कारण से कोई अंदर ना घुस पाए, और हर समय सिक्योरिटी गार्ड तैनात है 24 घंटे। अभी हम लोग आगे जो तीसरा वाला स्तूप है वहाँ पर जो देखने में पूरा का पूरा आइडेंटिकली है लगभग, अभी टूट फूटने के बाद थोड़ा ऐसा अलग से लग रहा है लेकिन ऑलमोस्ट आइडेंटिकली है। हाँ, किसी पर साइड से चढ़ने का रास्ता है, किसी के बीच में से है और किसी का फ्रंट में से, तीनों का अलग जैसा है लेकिन वो स्तूप का जो पूरा डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा सेम है लगभग। और पीछे आप लोग देख पा रहे हो कि पूरा पूरा गाँव है। कहा जाता है कि बहुत पहले यहाँ पर गाँव वाले मतलब घर बनाने के कारण से यहाँ पर आए थे, और जब मिट्टी खोदा तो ये पूरा का पूरा स्तूप वगैरह निकला है, फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसका पूरा का पूरा मिट्टी वगैरह हटा के इसको पूरा बनाया है। अभी विजिटर आके देख के जाते हैं। मैं इसके ऊपर अभी पूरा का पूरा चढ़ चुका हूँ, और इसका जो आगे है इसके ऊपर मैं जाना सख्त मना है, लेकिन इसके नीचे वाले हिस्से पर रह सकते हो बस। मैं इसके आगे जाके पूरा का पूरा साइड वाला हिस्सा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा ईंट से बना हुआ है, छोटा वाला ईंट से। शायद वो लोग पहले खुद के लिए ऐसे ईंट बनाया करते थे, क्योंकि अभी का साइज तो पूरा अलग है। और इसका जो डिज़ाइन है वो भी एकदम पतला सा है कि बहुत टाइम तक ये लॉन्ग लास्टिंग हो सके। अच्छा, शायद आप लोगों ने मेरे साथ पूरा का पूरा वीडियो देख चुके हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और इधर आप देख पा रहे हो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूरा का पूरा नोटिस लगाया गया है कि ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है। और इसके अलावा इस साइड में है कि इसमें तोड़फोड़ करना सख्त मना है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट पे अपना सुझाव जरूर लिखें। थैंक यू।